एंटरटेनमेंट, ड्रामा, इमोशन और डांस की एक्साइटिंग रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने वाला शो झलक दिखला जा का 10वां सीजन शुरू हो चुका है। 3 सितंबर से शुरू हुए प्रीमियर एपिसोड के साथ ही अब हर वीकेंड आपके मनोरंजन का पूरा बंदोबस्त है। झलक दिखला जा में टीवी और बॉलीवुड जगत की कई दिग्गज पर्सनैलिटीज बतौर कंटेस्टेंट्स नजर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कंटेस्टेंट्स को शो में रहकर ना सिर्फ शो में डांस से कांटे की टक्कर देनी होती है, बल्कि शो जीतने के लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करते हैं और इस काम के लिए ये सेलेब्स लेते हैं मोटी फीस। शो जीतने वाले कंटेस्टेंट को तो अलग प्राइज मनी और गिफ्ट्स दिए ही जाते हैं, बल्कि जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं वो भी तगड़ी फीस वसूलते हैं। और जाहिर सी बात है कि कंटेस्टेंट्स को इसके लिए फीस मिल रही है तो शो के जजेस भी शो को जज करने के लिए काफी हैवी फीस लेते हैं। झलक दिखला जा सीजन 10 में इस बार बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक, निया शर्मा, बिग बॉस 11 की विनर शिल्पा शिंदे, टिकटॉक स्टार फैजल शेख, कुंडली भाग्य फेम धीरज धुपहर, कपिल शर्मा शो की दादी यानी अली असगर समेत कई बड़े नाम इस बार झलक दिखला जा 10 में नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार माधुरी दीक्षित, करण जौहर और नोरा फतेही शो को जज कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस बार किस किस कंटेस्टेंट्स को शो के लिए कितनी फीस दी जा रही है और जजेस की शो के जरिए कितनी कमाई हो रही है। साथ ही ये भी बता दें कि इन सितारों को कितनी फीस मिल रही है। ये दी जा रही जानकारी वेबसाइट बॉलीवुड लाइफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक है। फिल्ममेकर करण जौहर पूरे सीजन को जज करने के लिए 10 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर एपिसोड 1 करोड़ फीस ले रही हैं। अब बात करते हैं कंटेस्टेंट्स की और उनकी फीस की। रुबीना दिलैक इस शो में सनम जौहर के साथ परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं और वो 1 एपिसोड के लिए 7 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं। भाभी जी घर पर है फेम अंगूरी भाभी का रोल निभाकर मशहूर हुई शिल्पा शिंदे पर एपिसोड 5 लाख रुपए ले रही हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आ चुके फैजल शेख करीब 10 से 11 लाख रुपए पर एपिसोड ले रहे हैं। टीवी की बोल्ड एक्ट्रेस निया शर्मा पर एपिसोड 2.5 लाख रुपए ले रही हैं। अनुपमा में समर का रोल निभा चुके पारस कलनावत 1 एपिसोड के लिए करीब 50,000 रुपए ले रहे हैं। कपिल शर्मा के शो में उनकी दादी का रोल निभाने वाले अली असगर 1 एपिसोड के लिए करीब 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। अमृता खानविलकर 1 लाख रुपए ले रही हैं, जबकि नीति टेलर 1 एपिसोड के लिए करीब 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रही हैं। कुंडली भाग्य सीरियल में लोगों का दिल जीत चुके धीरज धूपर 1 एपिसोड के लिए करीब 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, जबकि सेलिब्रिटी शेफ जोरावर कालरा 1 एपिसोड के लिए करीब 50,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।